मेसर्स अशोक एंड सन्स के पासबुक में 6,000 रुपए जमा शेष 31 दिसंबर 2011 को था। रोकड़ बही से तुलना करने पर निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं। पहला, 1,500 रुपए के चेक निर्गमित किए गए किंतु 900 रुपए के चेक ही भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए। दूसरा, बैंक व्यय के 10 रुपए बैंक द्वारा डेबिट किए गए। तीसरा, बैंक द्वारा 85 रुपए ब्याज जमा किया गया। चौथा, 160 रुपए का एक चेक ग्राहक से मिला जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि तो कर दी गई किंतु बैंक भेजना भूल गए। पांचवा, 250 रुपए का एक चेक बैंक भेज दिया गया तथा बैंक द्वारा जमा कर दिया गया किंतु रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं किया गया। छठवा, 29 दिसंबर को 800 रुपए का एक चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया जो 31 दिसंबर तक जमा नहीं हो सका। बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि बैंक समाधान विवरण बनाने का जो हमारा आधार है वो है पासबुक में जमा शेष 6,000 रुपए। और इसके बाद हम देखेंगे कि जब हम पासबुक के अनुसार जमा शेष को आधार मानते हुए बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं तो दिए गए बिंदुओं में से किन किन बिंदुओं को हमको जोड़ना है और किन को घटाना है। तो प्रारूप में हम सबसे पहले एंट्री करेंगे पासबुक के अनुसार जमा शेष और अमाउंट को हम फाइनल अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 6,000। अभी तक हम जो प्रश्न बना रहे थे वो हम पासबुक के अधिविकर्ष शेष के आधार पर बना रहे थे और अब हम जिन प्रश्नों को बनाएंगे वो हम पासबुक के क्रेडिट शेष को आधार मानते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पर जो प्लस माइनस के नियम होंगे वो चेंज हो जाएंगे, यानी जिन चीजों को हम पासबुक के अधिविकर्ष में प्लस करते थे उनको यहाँ माइनस करेंगे और जिनको हम माइनस करते थे उसको हम यहाँ पर प्लस करेंगे। इसको ध्यान में रखना है हमको। तो सबसे पहले जब हम इस 6,000 की अमाउंट को फाइनल अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा 1,500 रुपए के चेक निर्गमित किए गए किंतु 900 रुपए के चेक ही भुगतान के लिए प्रस्तुत हुए। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, तो इस पॉइंट को हम कहाँ लिखेंगे? तो टेबल में हम देख रहे हैं कि ये माइनस का पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है माइनस का ये पॉइंट है और वास्तव में हम केवल उतनी ही अमाउंट को लिखेंगे जो कि भुगतान के लिए अप्रस्तुत रहा। तो टोटल जो चेक निर्गमित किया गया था वो 1500 का था और 900 का चेक इसमें से भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया और बाकी जो 600 का चेक बचा वो अप्रस्तुत रहा। तो अमाउंट जो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस वाले पोर्शन में इनर अमाउंट कॉलम में वो अमाउंट सिर्फ 600 रुपीज की ही होगी। दूसरा, बैंक व्यय के 10 रुपए बैंक द्वारा डेबिट किए गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैंक व्यय है, ये बैंक एक्सपेंसेस है और बैंक द्वारा इसको डेबिट कर दिया गया है तो प्लस का ये पॉइंट है टेबल में, हम देख रहे हैं प्लस में आएगा, जुड़ जाएगा, इससे राशि में वृद्धि होगी। और यहाँ पर हम ऐड वाला जो पोर्शन है वहां लिखेंगे बैंक व्यय जो कि बैंक द्वारा डेबिट किए गए और 10 रुपीज की जो अमाउंट है वो यहाँ पर अमाउंट के इनर कॉलम में लिखी जाएगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बैंक द्वारा 85 रुपए जो ब्याज है वो जमा किया गया, क्रेडिट किया गया, तो यहाँ पर ये माइनस का पॉइंट है, क्रेडिट किया जा रहा है ब्याज, तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक द्वारा ब्याज जमा किया गया और 85 रुपीज की जो अमाउंट है वो अमाउंट के इनर कॉलम में लिखी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, 160 रुपीज का एक चेक है ग्राहक से मिला है, उसकी एंट्री भी हमने रोकड़ बही में कर दी लेकिन हम बैंक उसको भेजना भूल गए, यानी कि अभी तक वो हमारे पासबुक में नहीं चढ़ पाया है और अब उसके पासबुक में उसकी जो राशि है वो बढ़ जाएगी। तो 160 रुपीज की जो अमाउंट है उसको हम प्लस वाले पोर्शन में लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे ग्राहक से प्राप्त चेक जिसका लेखा रोकड़ बही में किया गया लेकिन बैंक भेजना भूल गए और 160 रुपीज की अमाउंट को हम इनर अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, 250 रुपीज का एक चेक है बैंक भेज दिया गया तथा बैंक द्वारा जमा कर दिया गया किंतु रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं किया गया। तो अब क्योंकि रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं किया गया है, कम हो गई है वहां पे राशि, तो इसको माइनस पोर्शन में हम लिखेंगे और अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग भी नियम के अनुसार इसको देखें तो अगर पासबुक का जमा शेष है तो वहां पर इस राशि को माइनस में लिखा जाएगा। तो माइनस वाले पोर्शन में हम लिखेंगे प्राप्त चेक बैंक भेजा गया
बैंक द्वारा जमा किया गया किंतु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं हुई। और 250 की जो अमाउंट है वो इनर अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट में हम देख रहे हैं 29 दिसंबर को 800 रुपए का एक चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया जो 31 दिसंबर तक जमा नहीं हो सका। अब क्योंकि जमा करने के लिए भेजा जा चुका है यानी कि संग्रह के लिए भेजा गया लेकिन असंग्रहित, ये जो पॉइंट है हमारा सेकेंड पॉइंट इसके अंतर्गत ये आएगा और टेबल में हम देख रहे हैं कि ये प्लस का पॉइंट है तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे संग्रह हेतु तो भेजे गए चेक असंग्रहित और इनर कॉलम में हम 800 रुपीस के अमाउंट को लिखेंगे। अब हमने जो प्लस और माइनस के जितने पॉइंट्स थे सबको हमने जो उनके का स्थान था वहां पे हमने लिख लिया। अब हम प्लस का जो पॉइंट है उसको हमारी जो बेस अमाउंट है यानी कि पासबुक का क्रेडिट शेष है वहां पर हम उसकी एंट्री में जोड़ते जाएंगे। 3 पॉइंट है हमारे पास प्लस के, इन तीनों पॉइंट को हम इसमें ऐड कर देंगे टोटल को और जो टोटल हमको यहाँ पे ये प्राप्त हुआ है इसमें हम जो माइनस की अमाउंट का टोटल है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो टोटल 6035 रुपीस जो हमको बैलेंस मिलेगा उसको हम बैलेंस एज पर कैशबुक यानी कि रोकड़ बही का डेबिट शेष मानकर इसकी प्रविष्टि हम करेंगे। 30 जून 2011 को प्रवीण के पासबुक में 7000 रुपए की क्रेडिट बाकी थी। पासबुक का रोकड़ बही से मिलान करने पर निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए। पहला, 4500 रुपए के चेक निर्गमित किए गए किंतु 1500 रुपए का चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। दूसरा, 800 रुपए का चेक ग्राहक से मिला जिसे रोकड़ बही में लिखा गया किंतु बैंक नहीं भेजा गया। तीसरा, रोकड़ बही में बैंक व्यय के 10 रुपए 2 बार लिखे गए। चौथा, 200 रुपए बैंक ने बीमा किस्त के दिए। पांचवा, बैंक ने 150 रुपए ब्याज के क्रेडिट किए। यहाँ पर हमको बैंक समाधान विवरण बनाना है और उसके लिए आधार पासबुक की क्रेडिट बाकी जो कि 7000 रुपए दी गई है इसे मानना है। तो इस प्रारूप में सबसे पहले हम पासबुक के क्रेडिट बाकी लिख लेंगे। अमाउंट का जो फाइनल अमाउंट कॉलम है उसमें हम 7000 के अमाउंट लिखेंगे और अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट ऐड होंगे और कौन कौन से पॉइंट लेस होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4500 का एक चेक जो निर्गमित है इसमें से केवल 1500 रुपए का चेक ऐसा है जो कि भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो टेबल का फर्स्ट पॉइंट है, निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत। और 1500 रुपीज की जो अमाउंट है उसको हम यहाँ पर माइनस कॉलम में लिख देंगे और यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखेंगे निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो हो जाएगा 800 रुपए का चेक एक ग्राहक से मिला जिसे रोकड़ बही में लिखा लेकिन बैंक नहीं भेजा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम देख रहे हैं टेबल में कि प्लस का ये पॉइंट है और पर्टिकुलर में हम इसको लिखेंगे ग्राहक से प्राप्त चेक जिसे रोकड़ बही में लिखा किंतु बैंक नहीं लिख भेजा गया। और 800 रुपीज की जो अमाउंट है उसको हम इनर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं थर्ड जो पॉइंट है वो है रोकड़ बही में बैंक व्यय के 10 रुपए 2 बार लिखे गए। अब क्योंकि बैंक व्यय है एक तो लॉस है व्यय है लेकिन एक नई चीज जो इसमें यह है कि 2 बार लिखा गया यानी कि एक्चुअली जो इसका इफेक्ट होना चाहिए था डबल इफेक्ट इसमें आ रहा है 2 बार लिखा गया है वो तो यहाँ पर ये माइनस कर दिया जाएगा। गलत एंट्री की गई है इसके इसलिए माइनस कर दिया जाएगा। टेबल में भी हम देख रहे हैं कि माइनस के अंतर्गत ये पॉइंट आ रहा है जबकि पासबुक का क्रेडिट शेष जो है वो हमारा आधार है। रोकड़ बही में बैंक वे 2 बार लिखे गए और 10 रुपए के जो अमाउंट है उसको हम इनर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं 200 रुपए बैंक ने बीमा किस्त के दिए। तो बीमा किस्त के दिए हैं बैंक द्वारा डायरेक्ट दे दिया गया है। टेबल में हम देख रहे हैं कि प्लस का पॉइंट है और वैसे भी इसको हम समझेंगे कि बैंक ने इस एक्सपेंस को किया है तो यहाँ पर प्लस वाला जो पोर्शन है वहां हम लिखेंगे बैंक ने बीमा किस्त चुकाए और 200 के जो अमाउंट है उसको हम अमाउंट के इनर कॉलम में पहले लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट में बैंक ने 150 रुपए ब्याज के क्रेडिट किए क्योंकि आय है प्राप्त होगा बैंक ने ब्याज क्रेडिट किया है तो माइनस का ये पॉइंट है। टेबल में हम देख रहे हैं कि माइनस इसको हमको करना है तो यहाँ पर स्टेटमेंट में जो माइनस का पोर्शन है उसके अंतर्गत हम लिखेंगे
बैंक ने ब्याज के क्रेडिट किए और 150 रुपीज को हम इनर कॉलम में लिख देंगे। अब जबकि पासबुक में 7,000 रुपए की क्रेडिट बाकी थी, तो इस बेस अमाउंट में हम सारे जो प्लस के अमाउंट है जो कि 800 और 200 यानी कि 1,000 रुपीज है, इसको हम ऐड कर देंगे, 8,000 ये हमको मिलेगा। और इसमें से माइनस के जितने भी पॉइंट है वो हम माइनस कर देंगे, तो 4,160 रुपीज इसमें से माइनस हो जाएगा और हमको जो फाइनल अमाउंट मिलेगी वो हो जाएगी 6,340। और जब हमने इसको तैयार किया तो हमारा बेस था पासबुक की क्रेडिट बाकी, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा बैलेंस एज पर कैशबुक, यानी कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक। 31 मार्च 2006 को बैंक खाते में 5,000 रुपए का अधिविकर्ष था, जबकि उसके बैंक विवरण में 76,750 रुपए का क्रेडिट शेष दर्शाया गया। निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखकर उसका बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। पहला, 12,000 रुपए के चेक निर्गमित किए गए थे किंतु 31 मार्च 2006 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए। दूसरा, 20,000 रुपए के चेक बैंक में जमा कराए गए थे किंतु 31 मार्च 2006 तक बैंक द्वारा संग्रहित नहीं किए गए। तीसरा, 31 मार्च 2006 को बैंक ने ऋण का ब्याज 10,000 रुपए डेबिट किया था जो मुकेश के पुस्तकों में दर्ज नहीं हुआ था। चौथा, मार्च 2006 में बैंक ने बैंक व 250 रुपए डेबिट किए थे जो मुकेश के पुस्तकों में 4 अप्रैल 2006 को लिखे गए। पांचवा, 1,00,000 रुपए के चेक संग्रह की राशि जो मुकेश के बैंक विवरण पत्र में भूल से मुकेश के खाते में जमा कर दी गई। इस प्रश्न में जो हमारा बैंक समाधान विवरण बनाने का आधार है वो है पासबुक का क्रेडिट शेष और 76,750 रुपए, ये जो अमाउंट है इसको हम अपने प्रारूप में फाइनल अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। और अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इसमें प्लस होंगे और कौन से माइनस होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं कि 12,000 रुपए का एक चेक निर्गमित किया गया, लेकिन क्योंकि ये 31 मार्च 2006 जो कि क्लोजिंग डेट थी वहां तक ये प्रस्तुत नहीं किया गया, तो ये हम टेबल में देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट है। और इस कंडीशन में जबकि बैंक खाते का अधिविकर्ष था यानी पासबुक का शेष क्रेडिट शेष था, तो माइनस हो जाएगा ये पॉइंट और यहाँ हम लिखेंगे निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, और 12,000 रुपीज के जो अमाउंट है उसको हम लेस वाले पोर्शन में लिखेंगे और इनर कॉलम में, अमाउंट के इनर कॉलम में हम इसको लिखेंगे। सेकेंड जो पॉइंट है वो है 20,000 रुपए के चेक बैंक में जमा कराए गए और बैंक द्वारा, लेकिन ये 31 मार्च 2006 तक संग्रहित नहीं हुए, यानी कि ये पॉइंट है संग्रह हेतु भेजे गए चेक भुगतान के लिए असंग्रहित, और क्योंकि टेबल में हम देख रहे हैं और वैसे भी अभी तक ये संग्रहित नहीं हुए और संग्रह होने के बाद जो अमाउंट है वो बढ़ेगी, तो प्लस में हम इसकी एंट्री करेंगे। जो हमारा प्लस का जो पोर्शन है वहां हम लिखेंगे संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित और 20,000 से हम इसकी एंट्री अमाउंट के इनर कॉलम में करेंगे। थर्ड पॉइंट जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंक ने ऋण पर ब्याज डेबिट तो किया है लेकिन इसको मुकेश ने अपने पुस्तकों में कैश बुक में उसने दर्ज नहीं किया है, तो ये जो अमाउंट है ये इसमें प्लस हो जाएगी और हम लिखेंगे बैंक ने ऋण पर ब्याज डेबिट किया लेकिन रोकड़ पुस्तक में लिखना भूल गए, तो 10,000 के अमाउंट एड पोर्शन में हम लिखेंगे और अमाउंट के इनर कॉलम में लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं कि बैंक वे 250 रुपए डेबिट किए गए थे जो कि मुकेश के पुस्तक में 4 अप्रैल 2006 को लिखे गए। कहने का मतलब ये है कि इसको लिखना चाहिए था 31 मार्च 2006 तक और लिखा इसने 4 अप्रैल 2006 को, तो जब तक कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किए गए तब तक तो ये नहीं लिखाए हुए थे, तो ये माना जाएगा कि बैंक वे जो कि डेबिट किए गए लेकिन मुकेश की पुस्तकों में नहीं लिखे गए, तो ये प्लस का पॉइंट है। हम टेबल में यहाँ पर देख रहे हैं एड वाले पोर्शन में हम इसको लिखेंगे बैंक वे जो कि डेबिट किए गए लेकिन मुकेश की पुस्तकों में नहीं लिखे गए, और 250 रुपीज की जो अमाउंट है वो इनर अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम देख रहे हैं कि संग्रह की राशि जो मुकेश के बैंक विवरण पत्र में भूल से मुकेश के खाते में जमा कर दी गई। गलती से ये राशि संग्रहित की गई, संग्रह है तो जमा कर दी गई है। अब ये हम मानेंगे कि
बैंक खाते में, बैंक पक्ष में, या फिर कह सकते हैं कि पासबुक में गलत प्रविष्टि की गई है। अब इसको सुधारने के लिए, जैसे कि हम टेबल में देख रहे हैं कि पासबुक में की गई ये जो गलत प्रविष्टि है, इसके लिए हम इसको घटाना पड़ेगा। हमको इसको क्रेडिट साइड में की गई गलत प्रविष्टि है और माइनस में हम इसको लिखेंगे, माइनस वाले पोर्शन में पासबुक में क्रेडिट की गई गलत प्रविष्टि। और 1 लाख रुपए जो अमाउंट है उसको हम इनर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। अब टोटल पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, बेस हमारा था 5000, इसमें हम ऐड के जितने भी हमारे 3 पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं, इस इन तीनों पॉइंट को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 30,250, और इसमें से हम माइनस कर देंगे जो माइनस के हमारे 2 पॉइंट है 1,12,000, तो फाइनल हमको जो अमाउंट प्राप्त होगी वो हो जाएगी 5000। और अब क्योंकि ये जो हमारा बेस था वो था बैंक खाता यानी कि पासबुक का अधिविकल्प, तो हमारा जो आंसर जो बैलेंस आएगा उसे हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि पासबुक का क्रेडिट शेष, और 5000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। निम्नलिखित विवरण से 30 जून 2007 का बैंक समाधान विवरण बनाइए। 30 जून को पासबुक के अनुसार 5000 रुपए के क्रेडिट शेष हैं, जो रोकड़ बही के बैंक खाते के शेष से भिन्न है। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि बैंक है 5000 रुपए का एक चेक जो 20 जून को निर्गमित किया था, उसका भुगतान 3 जुलाई को हुआ। दूसरा, 28 जून को 2000 रुपए के चेक संग्रह के लिए बैंक भेजे गए थे, परंतु 30 जून तक केवल 1400 रुपए के चेक पासबुक में जमा किए गए। तीसरा, 21 जून को बैंक ने 150 रुपए की किश्त जीवन बीमा निगम को दी, परंतु रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं था। चौथा, एक ग्राहक ने 150 रुपए सीधे ही बैंक खाते 28 जून को जमा कराए, जिसका लेखा केवल पासबुक में ही था। पांचवा, 25 जून को 750 रुपए की पूर्व भुनाई गई हुंडी अनादृत हुई, जिसका लेखा रोकड़ बही में जुलाई में किया गया। छठवा, पासबुक में 140 रुपए बैंक में जमा किए, किंतु रोकड़ बही में उसका उल्लेख नहीं था। यहाँ पर हमारा जो बैंक समाधान विवरण बनाने का आधार है वो है पासबुक का क्रेडिट शेष, जिसे कि हम यहाँ प्रारूप में सबसे पहले बेस अमाउंट के रूप में लिखेंगे और लिखेंगे पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष। फाइनल अमाउंट वाली कॉलम में हम 5000 रुपए से इसकी प्रविष्टि करेंगे। फिर आइए हम देखते हैं कि इनमें किन किन मदों को जोड़ा जाएगा और किन किन मदों को घटाया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है 500 रुपए का एक चेक जो 20 जून को निर्गमित किया, लेकिन उसका भुगतान 3 जुलाई को, यानी कि 30 जून जबकि बैंक समाधान विवरण बनाया गया तब तक वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ था। टेबल के अनुसार ये पॉइंट होगा निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, और जबकि पासबुक का क्रेडिट शेष है तो निर्गमित चेक अगर अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है तो माइनस का पॉइंट है, ये घट जाएगा। माइनस वाला जो पोर्शन है वहां पर हम लिखेंगे निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, और इनर अमाउंट का जो कॉलम है वहां पर हम 500 रुपीज लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि 2000 रुपए का एक चेक था जो संग्रह के लिए बैंक भेजा गया था, लेकिन 30 जून तक केवल 1400 रुपए का चेक ही जमा हो पाया। इसका मतलब है कि 2000 में से 1400 का चेक जमा हुआ, यानी 600 रुपए का जो चेक है अभी तक वो जमा नहीं हुआ, संग्रहित नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये हमारा टेबल का पॉइंट आएगा, संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, और जबकि पासबुक का क्रेडिट शेष है तो ऐड करेंगे हम इसको, जोड़ेंगे तो ऐड वाला जो पोर्शन है उसमें फर्स्ट पॉइंट ही आ जाएगा, संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, और इनर अमाउंट कॉलम में हम केवल 2000 माइनस 1400 600 की एंट्री करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि 21 जून को बैंक ने 150 रुपए की किस्त जीवन बीमा निगम को दी। बैंक डायरेक्ट बीमा का बीमा प्रीमियम का भुगतान कर रहा है, और प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि रोकड़ बही में इसका उल्लेख नहीं किया गया। तो अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि पासबुक का क्रेडिट शेष है, तो इस कंडीशन में 150 रुपए जो जीवन बीमा की अमाउंट है बैंक द्वारा सीधे दी गई है,
ये जुड़ जाएगा, एड वाले पोर्शन में अमाउंट आएगी और हम पर्टिकुलर में विवरण में लिखेंगे बैंक द्वारा जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान, और एड वाले इनर अमाउंट कॉलम में हम 150 रुपीज लिख देंगे। फोर्थ पॉइंट में हम देख रहे हैं कि ग्राहक ने सीधे ही 150 रुपया बैंक में जमा कर दिए। 28 जून को ये राशि जमा की गई, लेकिन पासबुक में इसकी प्रविष्टि की गई, यानी व्यापारी को ये बताना, ग्राहक को बैंक नहीं बताया है, इसलिए ग्राहक ने अपने खाते में किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं की है। तो अब हम इसको, जबकि पासबुक का हमारा क्रेडिट शेष है, तो ये जो अमाउंट है ये माइनस हो जाएगी, इसमें से घट जाएगी, और माइनस वाले पोर्शन में हम इसकी एंट्री कर देंगे। इनर अमाउंट कॉलम में 150 रुपीज से हम इसकी प्रविष्टि करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में हम देख रहे हैं कि एक जो भुनाई गई हुंडी थी वो डिसऑनर्ड हो गई है, अनादृत हो गई है, और 25 जून को ये भुनाई गई थी और इसका लेखा जो है वो रोकड़ बही में जुलाई में किया गया, तो यहाँ पर भी ये अमाउंट बढ़ जाती है, प्लस कर देंगे हम इसको। और एड वाला हमारा जो पोर्शन है उसमें हम लिखेंगे भुनाई गई हुंडी का अनादरण, और इनर अमाउंट कॉलम में 750 रुपीज हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, सिक्स पॉइंट, जिसमें पासबुक में 140 रुपया बैंक में जमा किए गए लेकिन रोकड़ बही में उसका उल्लेख नहीं था। तो जबकि हमने पासबुक में 140 रुपीज यहाँ पर जमा किए हैं रोकड़ बही में, लेकिन नहीं लिखे हैं, रोकड़ बही में जो हमारी अमाउंट है वो कम हो गई है, तो यहाँ पे जबकि हम पासबुक के क्रेडिट शेष के अनुसार बैंक समाधान विवरण का निर्माण कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा ये पॉइंट, माइनस वाला जो हमारा पोर्शन, वहां पर हम लिखेंगे बैंक में जमा राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई, और इनर अमाउंट कॉलम में हम 140 रुपीज लिखेंगे। इस प्रकार जो प्लस माइनस के पॉइंट्स थे, जो मदे थी, उनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। 5000 जो पासबुक का क्रेडिट शेष है वो हमारी बेस अमाउंट है, और इसमें हम प्लस और माइनस वाले जो पोर्शन है उनको पहले अलग से जोड़ लेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। तो प्लस वाला जो पोर्शन है, एड वाला जो पोर्शन है, उसमें हम देख रहे हैं कि टोटल हमको यहाँ पर 1500 की अमाउंट मिल रही है, 1500 को हम 5000 में प्लस कर देंगे और फाइनल अमाउंट कॉलम में टोटल आ जाएगा 6500, और फिर हम उसमें से माइनस वाले कॉलम का जो टोटल है, जो कि यहाँ पर हमको 790 रुपीज दिखाई दे रहा है, उसको हम माइनस कर देंगे, तो 5710 रुपीज हमको जो बैलेंस प्राप्त होगा उसको हम बैलेंस एज पर कैश बुक मानेंगे। निम्नलिखित विवरणों से जो 31 मार्च 2016 के बैंक विवरण से बैंक शेष प्रदर्शित किए गए हैं, पहला बिना समायोजन के रोकड़ बही के शेष, दूसरा समायोजन संशोधन के पश्चात रोकड़ बही शेष के आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। पहला 31 मार्च 2016 को रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 90,000 रुपए, दूसरा 25,000 रुपए के चेक निर्गमित किए गए किंतु 31 मार्च 2016 तक भुनाए नहीं गए, तीसरा चेक संग्रह हेतु बैंक में जमा किए गए किंतु 31 मार्च 2016 तक संग्रहित नहीं हुए 35,000 के, चौथा बैंक द्वारा विनियोग पर 1,000 रुपए ब्याज एकत्रित किए गए किंतु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं हो पाई, पांचवा चेक बैंक में जमा किए गए किंतु रोकड़ 25,000 रुपए बही में दर्ज नहीं हो पाई है, छठवा बैंक व बैंक द्वारा डेबिट की गई किंतु रोकड़ बही में दर्ज नहीं हुए 300 रुपए। इस प्रश्न में हमको दो आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार करना है, पहला जबकि बिना समायोजन के रोकड़ बही के शेष के आधार पर बनाया जाए, और दूसरा समायोजन पश्चात। तो फर्स्ट कंडीशन, जबकि हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे बिना समायोजन के, इस कंडीशन में जो हमारी रोकड़ बही का बैंक शेष है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, डेबिट शेष है प्लस के, तो हम ये मानेंगे कि ये डेबिट शेष है और ये जो बैलेंस है इसको हम बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि रोकड़ बही का डेबिट शेष के आधार पर प्लस के आइटम में, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, तो प्लस वाले कॉलम में हम 90,000 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, हमारा सेकेंड पॉइंट आता है 25,000 रुपए के चेक निर्गमित किए गए लेकिन 31 मार्च 2016 तक भुनाए नहीं गए, यानी कि निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत। तो निर्गमित चेक अगर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं होते हैं और रोकड़ बही का यहाँ पर डेबिट शेष आता है, तो इस कंडीशन में ये प्लस का पॉइंट हो जाता है, और प्लस वाले कॉलम में हम लिखेंगे निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत 25,000।
तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, चेक संग्रह हेतु बैंक में जमा किए गए किंतु 31 मार्च 2016 तक संग्रहित नहीं हुए। 35,000 के ये चेक हैं, इनको संग्रह हेतु बैंक भेजा गया और ये बैंक समाधान विवरण यानी कि 31 मार्च 2016 बनाने की तिथि तक ये संग्रहित नहीं हुए हैं। और दूसरी बात ये कि रोकड़ भाई का यहाँ पर डेबिट शेयर दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में ये माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो माइनस के कॉलम में हम लिखेंगे संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित और 35,000 के अमाउंट को माइनस कॉलम में लिख देंगे। फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं, बैंक द्वारा विनियोग पर 1,000 रुपए ब्याज एकत्रित किए गए लेकिन रोकड़ बही में इनकी प्रविष्टि नहीं हो पाई। अब क्योंकि विनियोग पर ये प्राप्त ब्याज है और रोकड़ बही में इसकी एंट्री नहीं हुई है, तो अब इसको एंट्री कर देंगे यानी कि प्लस कर देंगे। तो प्लस कॉलम में हम लिखेंगे बैंक द्वारा विनियोग पर प्राप्त ब्याज लेकिन रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई और 1,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे प्लस कॉलम में। फिफ्थ पॉइंट हम देख रहे हैं, चेक बैंक में जमा किए किंतु रोकड़ जो है 25,000 वो रोकड़ बही में दर्ज नहीं हो पाई लेकिन चेक जो है वो बैंक में जमा कर दिए गए हैं। अब ऐसी कंडीशन में जुड़ जाएगा ये आइटम, प्लस का आइटम है, तो प्लस कॉलम में हम इसको लिखेंगे चेक बैंक में जमा किंतु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं और प्लस वाले कॉलम में हम 25,000 लिख देंगे। सिक्स पॉइंट हम देख रहे हैं, बैंक व बैंक द्वारा डेबिट किए गए लेकिन ये अमाउंट भी रोकड़ बही में अभी तक नहीं लिखाई हुई है, कम हो गई है, माइनस वाला ये पॉइंट है। माइनस में हम लिख देंगे इसको बैंक चार्जेस नॉट, माइनस वाले कॉलम में हम इसको लिख देंगे बैंक में जो कि रोकड़ बही में दर्ज नहीं हुए और 300 के अमाउंट हम माइनस कॉलम में लिख देंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस वाला जो आइटम है उसका टोटल ज्यादा है 1,41,000, इसमें से हम माइनस वाले टोटल को जो माइनस करेंगे 35,000 और 300, तो हमारा बैलेंस यहाँ पर आएगा 1,05,700 जो कि हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि पासबुक का क्रेडिट शेष। अब इसी प्रश्न को जब हम समायोजन के बाद प्रस्तुत करते हैं तो क्या स्थिति होती है, इसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम समायोजन के बाद प्रस्तुत करें तो पहले हमको एक कैश बुक बनानी होगी, एडजस्टमेंट जो है और एरर जो हुए, गलतियां जो हुई हैं उनके लिए हमको एक कैश बुक बनाना पड़ेगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम कैश बुक के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री करते हैं तो कैश बुक का जो बैलेंस है प्रश्न में दिया गया है वो है 90,000 का। उसके बाद हम बैंक रिलेटेड यहाँ पर देख रहे हैं कि बैंक ने चार्जेस लगाए हैं 300 जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं हुए, माइनस हमने जिसको किया था यानी कि माइनस वाले जो पॉइंट है वो क्रेडिट में चले जाएंगे, तो एक हमको माइनस का पॉइंट दिख रहा है बाय बैंक चार्जेस, ये हम क्रेडिट में लिख देंगे 300। बैलेंस हमने 90,000 ऑलरेडी लिख दिया है। उसके बाद प्लस में हमने कैश से रिलेटेड जो पॉइंट डाला है वो है विनियोग पर ब्याज, ये हम डेबिट साइड में लिख देंगे 1,000 और चेक 25,000 रुपए का हम एक देख रहे थे जो कि हमने डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, छूट गया है, तो अब एडजस्टमेंट करने के लिए हम उसको कैश बुक में लिख देंगे। कुल मिलाकर इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस जिस पॉइंट की एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है उसको हम पहले कैश बुक में एंट्री कर देंगे और उसके बाद एडजस्टमेंट के आधार पर फिर हम कैश रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो जब ये जो छूटी हुई जो प्रविष्टियां थी उनको जब हमने सुधार लिया, कैश बुक में उसकी एंट्री कर दी, तो जो बैलेंस आ रहा है कैश बुक का वो चेंज हो जा रहा है। अब जो कैश बुक का बैलेंस है वो आ रहा है 1,15,700। अब ये जो बैलेंस बच रहा है अब इसके आधार पर जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक यानी कि रोकड़ बही के डेबिट शेष के आधार पर समायोजित राशि, और प्लस के कॉलम में हम लिखेंगे 1,15,700 और फिर अब देखते हैं कि बची हुई जो दो अमाउंट है उसको प्लस करना है या माइनस करना है। तो एक अमाउंट जो दिया गया है कि निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत जो कि प्लस के अमाउंट थी उसको हम प्लस के कॉलम में लिख देंगे, और दूसरी जो पॉइंट दूसरा हमको दिख रहा है क्वेश्चन में वो है चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट क्लियर्ड यानी कि चेक जो है भुगतान के लिए जमा किए गए लेकिन अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है, और ये माइनस का पॉइंट था हमने देखा, तो माइनस के कॉलम में हम 35,000 लिख देंगे। अब जबकि हम देख रहे हैं कि प्लस के कॉलम का टोटल है 1,40,700, उसमें से हम माइनस के कॉलम का टोटल उसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बैलेंस आ जाता है 1,05,700 और जिसे कि हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि पासबुक का क्रेडिट शेष। सुरेंद्र की रोकड़ बही 31 जनवरी 2017 को 50,300 रुपए नाम शेष बताती है,
निम्न सूचना के आधार पर समायोजित रोकड़ बही तथा बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। पहला, चेक निर्गमित किए गए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए 46,800। सेकेंड, चेक बैंक में जमा कराए गए किंतु अब तक जमा नहीं हुए 52,500। थर्ड, स्थायी आदेशानुसार बैंक ने बीमा किश्त का भुगतान किया किंतु सूचित नहीं किया 3,000। फोर्थ, बैंक ने बैंक खर्च के 350 रुपये नाम किए जिसके प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई। फिफ्थ, बैंक द्वारा सीधे एक कंपनी ने लाभांश संग्रह किया 3,500। यहाँ पर हमको समायोजन के आधार पर बैंक समाधान विवरण बनाना है, तो पहले हम कैश बुक को एडजस्ट कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं। ये हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कैश बुक में लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखे गए। जब हम कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक का, तो सबसे पहले हम कैश बैलेंस को डेबिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो 31 जनवरी 2017 को सबसे पहले हम कैश बुक के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 50,300। और अब देखते हैं कि कौन कौन सी अमाउंट इसमें लिखने से चूक गए हैं हम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पॉइंट जिसके अंतर्गत दिया है कि बैंक ने बीमा किस्त का भुगतान किया लेकिन सूचित नहीं किया। तो सूचित नहीं किया इसका मतलब यह है कि रोकड़ बही में नहीं लिखाया है, क्योंकि जब तक व्यापारी को सूचना नहीं मिलेगी बैंक से तब तक वो अपनी कैश बुक में एंट्री कैसे कर पाएगा। तो इसको हम 31 जनवरी 2017 को क्रेडिट साइड में, क्योंकि बीमा प्रीमियम है भुगतान किया गया है, कैश जाएगी यहाँ पे, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि एक बैंक ने खर्च लगाया 350 और इसकी प्रविष्टि भी रोकड़ बही में नहीं की गई। अब एक प्रकार का ये बैंक है, इससे भी अब एक प्रकार का ये व्यय है, खर्च है, इससे भी जो रोकड़ खाता है वो क्रेडिट होगा। तो रोकड़ खाते के क्रेडिट साइड में यानी कि कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस 350। अब हम इसको लिख देते हैं, अब तक हमने नहीं लिखा था। और उसके बाद ये दो पॉइंट से थे जो अभी तक नहीं लिखाए थे। उसके बाद हम डिविडेंड देख रहे हैं कि बैंक द्वारा सीधे कंपनी ने लाभांश संग्रह किया, यानी लाभांश हमको मिलना चाहिए था, मिलता है, हम उसको कैश अकाउंट के डेबिट में हमको लिखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमको जानकारी नहीं मिली डायरेक्ट ये संग्रहित हो गया लाभांश, तो अब हम उसको लिख देते हैं एडजस्टमेंट कैश बुक बनाने के लिए। तो हम इसको कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे क्योंकि हमको प्राप्त हो रहा है टू डिविडेंड 3,500। अब हम इस एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेबिट साइड में हम देख रहे हैं कि डेबिट टोटल आ रहा है 53,800 और क्रेडिट टोटल जो है 3,350। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा बैलेंस आता है 50,450 बाय बैलेंस सीडी। इसकी एंट्री हमने यहाँ पर कर ली। अब हमको ये एडजस्टेड जो कैश बुक था उसका टोटल बैलेंस हमको मिल गया। अब इसी बैलेंस के आधार पर हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लेंगे ऑन 31 जनवरी 2011। तो यहाँ पर हम अपने सेकेंड मेथड को यूज करते हुए ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। सबसे पहले हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक यानी कि रोकड़ बही का डेबिट शेष लिखेंगे टोटल अमाउंट कॉलम में 50,450। और देखते हैं कि दो पॉइंट से बच गए हैं, बाकी तीन एडजस्टमेंट में चले गए हैं। तो इस दो पॉइंट को कहाँ ऐड करना है और किसको लेस करना है, तो एक पॉइंट हमको यहाँ पर दिखाई देता है फर्स्ट, जबकि निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत इस हेडिंग के अंतर्गत आएगा। और क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोकड़ बही का डेबिट शेष है, तो इस कंडीशन में ये जो पॉइंट है निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 46,800 को ऐड वाले कॉलम में डाल देंगे हम। और उसके बाद लेस का पॉइंट देखते हैं कोई है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक चेक जो जमा करने के लिए भेजा गया था अभी तक जमा नहीं हुआ, यानी कि संग्रह है तो भेजे गए चेक असंग्रहित, इसके अंतर्गत ये पॉइंट आएगा 52,500। और इसमें हम इसको लिखेंगे माइनस करके चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, संग्रह के लिए भेजे गए चेक असंग्रहित 52,500। टोटल जब हम करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 50,450 प्लस 46,800 ये हो जाएगा हमारा 97,250। और इसमें हम माइनस कर देंगे 52,500 तो बैलेंस हमको मिल जाएगा 44,750, जिसको कि हम मान लेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि पासबुक का क्रेडिट शेष।